जी, मैंने ये घड़ी जो है ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को मिली थी सऊदी क्राउन प्रिंस से, और ये जब सऊदी क्राउन प्रिंस विज़िट कर रहे थे तो तब वो उन्होंने लाके उनको दी। तो ये सब्सिक्वेंटली घड़ी फिर इन्होंने तोशाखाना में जमा करा दी और वहाँ से बाई बैक करके ये दुबई ले आए, और दुबई में फिर मैंने इनसे ये घड़ी ख़रीदी। ये जी मैंने $2 मिलियन में ख़रीदी थी, और वैसे तो माशाल्लाह से मेरे पास 100 से ज़्यादा घड़ियाँ हैं और मैं ख़रीदता रहता हूँ, यूनिक पीसेस काफ़ी हैं, और ये मुझे एक हॉबी है, एक शौक है और एक किस्म की इन्वेस्टमेंट भी है। मुझे जी शहज़ाद अकबर साहब ने कॉल किया, उनको मैं जानता था कोई थ्रू कॉमन फ्रेंड्स, तो उन्होंने कहा कि जी हमें अक्सर स्टेट विजिट होते हैं तो कभी लोग आते हैं, कब हम जाते हैं, तो हमें गिफ्ट्स और आइटम्स डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं और कुछ चीज़ें हम नहीं रखना चाहते, तो अगर आपका कोई इंटरेस्ट हो तो हम आपको कुछ कभी कभी हमें कोई वैल्यूबल गिफ्ट्स मिले तो हम आपको दिखाएंगे, अगर आपका कोई इंटरेस्ट हो तो आप ख़रीद लेना। तो मैंने कहा जी बिल्कुल, अगर कुछ भी हुआ तो ज़रूर बताइएगा। तो फिर मुझे उनकी कॉल आई 2019 कोई अप्रैल में कि हमारे पास एक बड़ा अच्छा मास्टरपीस है, पूरा सेट है घड़ियों का, घड़ी का, और वो अगर आप चाहें तो हम आपको भिजवाते हैं और आप देख लेना। तो मैंने कहा जी बिल्कुल, आप अगर कोई लेके आ रहा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो उन्होंने कहा जी कि आपसे जो है फराग होगी, रब्ता करेंगी, और जब दुबई पहुँचेंगी तो आप ज़रा अगर हो सके तो ज़रूर उनसे मिल लेना और देखना, अगर आपको पसंद हो तो आप ख़रीद लेना। तो वो फिर जब आई तो उन्होंने मुझे कॉल किया, वो मेरे दफ्तर आई, उन्होंने मुझे ये सेट दिखाया, मुझे बड़ा पसंद आया, मैंने देखा, काफ़ी हैरान था कि माशाल्लाह से इतना खूबसूरत मास्टरपीस घड़ी का था, और स्पेशली इसका जो हिस्ट्री है कि ये काबा का एडिशन है, मेरे लिए और वैल्यूबल रहा बन गया, और ग्राफ की थी, ग्राफ वैसे ही दुनिया का सबसे महंगा तरीन ज्वेलरी ब्रांड है। तो मैंने कहा कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसकी वेरिफिकेशन कराना चाहता हूँ ख़रीदने से पहले। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, आप बेशक इसको ले जाएँ और अपनी तसल्ली कर लें। तो मैं इसको ग्राफ की दुकान पे ले गया दुबई मॉल में, वहाँ पे मैंने उनको दिखाया, जब मैंने दुकान वालों को दिखाया तो वो ख़ुद शॉक में आ गए, उन्होंने कहा जी आपको ये कहाँ से मिला है? तो मैंने कहा जी कोई लोग बेचना चाहते हैं तो मैं सिर्फ इसकी कंफर्मेशन चाहता हूँ कि जी ये ऑथेंटिक है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल 100% उन्होंने वेरीफाई किया, ये ऑथेंटिक है, जेन्युइन है, हर चीज़ इसमें जो है जेन्युइन लगी हुई है। तो मैंने उनको ऐसे ही बाय द वे पूछा कि अगर मैं ख़रीदूँ तो किस कीमत में मुझे ख़रीदना चाहिए। उन्होंने कहा जी ये मास्टरपीस है, ये शौकीन बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि 10, 12, 15 मिलियन भी को देने के लिए तैयार है, और अगर आपको $5-6 मिलियन में ये मिल जाए तो इट्स अ वेरी गुड डील। तो आफ्टर आई गॉट दैट कन्फर्मेशन मैं वापस आया, मैंने इनसे निगोशिएट किया, तो इन्होंने $2 मिलियन पे मेरे साथ सेटल किया। उन्होंने कहा कि जी हमें पैसे कैश चाहिए यहीं दुबई में, तो मैंने इनको एग्री करके अगले दिन कैश विड्रॉ करके इनको पैसे हवाले किए, 7.5 मिलियन दिरहम, और ये घड़ी ख़रीद ली उनसे। नहीं, उनका कोई पाकिस्तान पैसे लेके जाने का इंटरेस्ट नहीं था, पैसे उनको यहीं चाहिए थे, दुबई में चाहिए थे जी।